अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। मेरा नाम सरफराज अली है और आप देख रहे हैं मी डॉक्टर सरफराज अली। दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नॉन फाइलर कैटेगरीज, क्योंकि न्यू अपडेट आई है फाइलर के हवाले से कि जो नॉन फाइलर कैटेगरी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने FBR ने इसको अनाउंसमेंट किया है कि नॉन फाइलर कैटेगरीज को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। अब जबकि नॉन फाइलर कैटेगरीज को ख़त्म किया जा रहा है और कैसे लोग उसके ऊपर आएंगे, तो इन्होंने अभी करंटली जो है इनके ऊपर 5 पाबंदियां लगा दी। 5 पाबंदियां लगाने का मकसद यही है कि आपको अब हर हाल में फाइलर बनना है। कौन कौन सी उन्होंने जो है इस वक्त इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, सबसे पहले इन्होंने जो पाबंदी लगाई है कि अब आप इंटरनेशनल बैरूनी मुल्क जो है वो सफ़र नहीं कर सकते अगर आपने FBR में रजिस्टर्ड विथ फाइलर नहीं है। तो रजिस्टर्ड का मतलब ये होता है कि NTN आपने नंबर जनरेट कर दिया तो आप रजिस्टर्ड हो गए, देन उसके बाद आपको फाइल करना पड़ता है, यानी कि अपनी इनकम ऑफ सोर्स आपको FBR वालों को बतानी पड़ती है। ठीक है, तो अब आप बैरूनी मुल्क अगर आपको सफ़र करना होगा तो आपको FBR में फाइलर होना है, एक ये हो गया। उसके अलावा दूसरा इन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि अगर आपको अब अपने लिए घर लेना है, प्लॉट लेना है, तो भी आपको इसके ऊपर शर्त लगा दिया है कि आपको फाइलर यानी कि जो फाइलर और FBR में रजिस्टर्ड होना लाजम है। देन उसके बाद अगर आपको अपनी कोई गाड़ी लेनी है तो उसके लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी कि आपको फाइलर होना मस्ट है। उसके बाद यानी कि अगर आपको अपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है, करंट अकाउंट ओपन करवाना है, उसके लिए भी इन्होंने पाबंदी लगा दी। यानी कि अब आपको हर हाल में यानी किसी भी सूरत में ये आपको बख्श नहीं करेंगे, आपको फाइलर बनना ही बनना है। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि हम फाइलर क्यों बने, हमारी इनकम ऑफ सोर्स इतनी नहीं है कि हम जो है टैक्स पे करें। तो देखें, एक लिमिट रखी गई है, अगर आप 7 लाख ईयरली आप कमा रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर आप 7 लाख से कम हैं तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि जस्ट आपको अपनी फाइल रिटर्न करनी है, रिटर्न फाइल फिल करनी है, आपको पेमेंट 1 रुपया भी पे नहीं करना है। ठीक है, तो जस्ट आप लोगों को यानी कि इन्फॉर्म करना, यानी कि आपको इनकम ऑफ सोर्स, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास गाड़ियाँ कितनी है, आपके पास ज़मीनें कितनी है, ये सब चीज़ें आपको FBR को बतानी है। ठीक है, तो अगर आप इनकम ऑफ सोर्स कम है तो आपके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होगी। इवन आप जो रेस्टोरेंट पे, आप कहीं पे भी जो टैक्स पे करते हैं, यानी कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं और उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं, तो उसकी आप अब उनकी फाइल जो उसकी रिसिप्ट होती है उनको संभाल के रखें, देन उसके बाद आप ईयरली उसमें फिल करें और गवर्नमेंट को बताएं कि आपने इतना टैक्स पे किया है जबकि आपकी सैलरी कम है, तो वो आपको जो आपने सेल टैक्स पे किया है वो आपको वापस मिलेगी। या अगर आपने आपकी टैक्स 4,000, 5,000 या 6,000, 10,000 बन रही थी, आपने उससे मजीद यानी कि उससे एक्स्ट्रा जो है गवर्नमेंट को पे किया है, तो वो जो एक्स्ट्रा आपने पे किया हुआ है तो वो भी आपको रिटर्न मिल जाएगी। तो अगर आपको FBR में रजिस्टर्ड होना है तो हमारे दिए गए नीचे नंबर पे कांटेक्ट करें, हमसे फाइल रिटर्न फिल करवाएं, NTN नंबर जनरेट करवाएं, और इसके अलावा FBR में किसी भी हवाले से आपको मालूमात चाहिए और हमारी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता